चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ और भी जबरदस्त धमाकेदार वीडियो। अगर आपको बजट किया तक तो 20,000 के अराउंड है आपको उस प्राइस में सबसे जबरदस्त पावरफुल किलर एकदम से कह सकते हो, सबसे जबरदस्त आपको 5G फोन परचेस करने की सोच रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली हो। कह सकते हो इस बार हमने 20,000 की प्राइस में 10 और सबसे पावरफुल हमने 5G फोन सेलेक्ट किए हैं। आपको जिस ब्रांड की तरफ जाना है इजिली आप उस ब्रांड की तरफ जा सकते हो। ओप्पो, वीवो, शाओमी, IQ, वीवो, जो कुछ चाहिए हो सब कुछ आपको 10 के 10 फोन में से मिल जाएगा। कह सकते हो सारे 5G स्मार्टफोन को हमने सेलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम और रिसर्च भी लगाई है। लेकिन उससे पहले, सब कुछ बताने से पहले, आप कर दो सब्सक्राइब और हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और यार दोस्तों, टोटल मैंने 10 एकदम चुन चुन के पावरफुल 5G स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जिसकी प्राइसिंग आपको बिलो 20,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों खास बात, पूरे 10 के 10 स्मार्टफोन हमने आपके लिए रिकमेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगाए। कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा हमने रिसर्च भी करी, हमने कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक को हटाया, फिर दूसरे को लिया, फिर हमने तीसरे को हटाया, चौथे को लिया, तो कह सकते हो काफ़ी हमने रिसर्च कर लिए। तो इस बार हमने कोई भी बेसिक क्राइटेरिया नहीं बनाया क्योंकि सबसे पहले हमने 10 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं 10 को आपके लिए बताने के लिए। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी तो वो चीज़ को कम करने के लिए हमने क्राइटेरिया को स्किप कर दिया। तो आपको जिस ब्रांड की तरफ जाना है ईजिली आप उस ब्रांड की तरफ जा सकते हो, तो बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10th नंबर पे आने वाला हमारा 5G फोन के बारे में, जो आता है Samsung की तरफ से, Samsung Galaxy M32 5G। अगर कह सकते हो आपको Samsung का स्मार्टफोन चाहिए, आप Samsung के लवर हो, किसी और ब्रांड का नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस 5G फोन को चेकआउट कर सकते हो, वरना आपके पास 20,000 की प्राइस में काफी सारे अदर ऑप्शन भी हो। कह सकते हो स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन कुछ खास नहीं है, अगर कह सकते हो बाकी की ब्रांड की 5G फोन से आप कंपेयर करते हो, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको HD प्लस की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं 9th नंबर पे आने वाला हमारा 5G फोन को लेके, जो आता है Vivo की तरफ से, Vivo Y75 5G, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेट है, 5000mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। कह सकते हो 5G स्मार्टफोन की प्राइस आपको 21,000 के अराउंड आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं 8th नंबर पे आने वाला हमारा 5G फोन को बारे में, जो मेरे को लग रहा है ये स्मार्टफोन 20,000 की प्राइस में वैल्यू फॉर मनी है, जो आता है Realme की तरफ से, Realme Narzo 30 Pro 5G। तो ऐसा कह सकते हो स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 से 16,000 की प्राइस में, कह सकते हो ये स्मार्टफोन 16,000 की प्राइस में सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G फोन है, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 800U का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, फुल HD प्लस IPS की डिस्प्ले, 120Hz की आपको फास्ट रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा और साथ में आपको 5000mAh की बैटरी और 30 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। दोस्तों जो हमारा 7th नंबर पर 5G फोन आता है, अगर कह सकते हो आपके लिए गेमिंग प्रायोरिटी, आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी होने वाला है, जो आता है IQ की तरफ से, IQ Z3 5G। कह सकते हो IQ अपने सारे स्मार्टफोन गेमिंग वगैरह को देखते हुए टारगेट करता है, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 768G का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, Flagship प्लस IPS की डिस्प्ले, 120Hz की फास्ट रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा और 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में आपको 55 वोल्ट की, कह सकते हो 20,000 की प्राइस में सबसे ज़्यादा आपको फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं 6th नंबर पर आने वाला हमारा 5G फोन के बारे में, जो आता है लावा की तरफ से, लावा अग्नि 5G, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 810 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, तो खास बात 8GB की रैम आपको बिलो 20,000 की प्राइस इनमें आपको देखने को मिलती है, फ्लच जी प्लस IPS की डिस्प्ले, 90Hz की रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा और 5000mAh की बैटरी और साथ में आपको 30 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं 5th नंबर पे आने वाला हमारा 5G फोन के बारे में, जो आता है Realme की तरफ से, Realme 8S 5G, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 810 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, फ्लैश जी प्लस की डिस्प्ले, 90Hz की रिफ्रेशिंग रेट, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000mAh की बैटरी और 33 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं 4th नंबर पे आने वाला हमारा 5G फोन के बारे में, जो आता है Motorola की तरफ से, Motorola G71, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। तो खास बात, इस फोन में आपको AMOLED की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जो मेरे को लग रहा है डिस्प्ले में आपको काफी मजा आ जाएगा, साथ में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी और 33 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं 3rd नंबर पे आने वाला हमारा 5G फोन के बारे में, जो आता है Realme की तरफ से, Realme
9 Pro 5G कह सकते हो Realme की नंबर सीरीज तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है कह सकते हो Realme का। ये फ़ोन अभी यार Realme ने लॉन्च किया, जो मेरे को लग रहा है ये फ़ोन 20,000 की प्राइस में काफ़ी बढ़िया डील है, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 6GB की रैम आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों खास बात, अगर इस फ़ोन का आप 8GB वाला वेरियंट आपको परचेस करोगे तो उसमें आपको डायनेमिक वर्चुअल रैम आपको देखने को मिलती है, जिससे कह सकते हो ये रैम थोड़ी स्टोरेज से ले लेगा, मैक्सिमम ये 13GB तक एक्सपेंड कर देगा, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी बढ़िया बात है। साथ में आपको फ्लैजरी प्लस IPS की डिस्प्ले 120Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, 64MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी और 33V की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे आने वाला हमारा 5G फोन के बारे में, जो आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो पोवा 5G, जिसमें आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 900 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है और 8GB की रैम आपको बोलो 20,000 की प्राइस जिनमें आपको देखने को मिलती है। साथ में आपको 6.9 इंच का काफ़ी बढ़िया आपको फ्लैजरी प्लस IPS की डिस्प्ले 120Hz की फास्ट रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, 50MP का कैमरा आपको देखने को मिलता है, 6000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है, बढ़िया आपको 18V की काफ़ी स्लो चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। फाइनली बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे आने वाला हमारा 5G फोन के बारे में, जो मेरे को लग भी नहीं रहा था ये ब्रांड हमारे फर्स्ट नंबर पे आ सकता हो क्या सकते हो। इस ब्रांड ने काफी बढ़िया काम किया है 20,000 की प्राइस में, जो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स जीरो 5G, जिसमें आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 900 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको 8GB की रैम ब्लो आपको 20,000 की प्राइस जिनमें आपको देखने को मिलती है, 6.78 इंच का फ्लैजरी प्लस IPS की डिस्प्ले 90Hz की नहीं 120Hz की रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, 48MP का कैमरा और 5000mAh की बैटरी और 33V की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। तो खास बात, अगर 5G फोन का डिजाइन देखोगे तो दिखने में फोन काफी ज्यादा किलर लग रहा है, मेरे को काफी ज्यादा पसंद भी है। दोस्तों यही थे टॉप 10 एकदम पावरफुल किलर 5G स्मार्टफोन, जो मेरे को 20,000 की प्राइस में काफी ज्यादा पसंद है। ये सारे 5G स्मार्टफोन में आपको 20,000 की प्राइस में आपको हाईली रिकमेंड कर सकता हूं। अगर दोस्तों 5G फोन के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो या परचेस करना चाहते हो तो सारे 5G फोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, नॉलेज बढ़ी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना डेली ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।